नन्हे धावक शैलेश्वर निवासी पानीपत जो कि 7.5 साल का है, आज उस बच्चे ने पानीपत की लाल बत्ती चौक से लेकर मतलोडा तक दौड़ लगाई। डीएसपी सतीश वत्स ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत करवाई। डीएसपी सतीश वत्स ने कहा कि अगर हमें अच्छी सुरक्षित व लंबी जिंदगी चाहिए तो हमें पेड़ लगाने चाहिए। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ लगाना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही डीएसपी ने नन्हे धावक के इस सराहनीय काम के लिए बधाई दी। आपको बता दें कि धावक शैलेश्वर ने आज पर्यावरण बचाने के लिए यह दौड़ लगाई थी। शैलेश्वर इससे पहले भी कई बार पानीपत शहर में दौड़ लगा चुका है। शैलेश्वर ने लोगों से जल तथा पर्यावरण को बचाने की अपील की। पानीपत के लघु सचिवालय से शहर में विभिन्न जगहों से होते हुए शैलेश्वर मतलोडा में पहुंचा और वहां पर पौधारोपण किया। जैसा कि ये बच्चा पहले भी दौड़ता रहता है और इसने रिकॉर्ड भी बनाए, काफ़ी लंबी लंबी दौड़ लगाई है और अभी मुझे पता लगा इसकी बहन भी इसी प्रकार से अच्छी धावक है और आज ये लोग इस तरह ना जाएंगे मतलोडा जाएंगे और वहाँ तक दौड़ लगाएंगे। मैं बच्चे को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ये अपने इस क्षेत्र में जिसमें लगा है अच्छी कामयाबी पूरे आसमान तक जाए, पूरी कामयाबी की छुए। आज पर देखिए, ये तो वेल नोन फैक्ट है कि भाई हमें अगर अच्छी ज़िंदगी चाहिए, सुरक्षित ज़िंदगी चाहिए, लंबी ज़िंदगी चाहिए तो एकमात्र पेड़ पौधे ही हमारी ज़िंदगी को बचा सकते हैं, हमें बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएँ और यही संदेश आज ये बच्चा दे रहा है। मेरी अपील है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ और पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, उसकी देखभाल करना, उसको बड़ा करना हर आदमी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। हाँ, अभी जैसे वन महोत्सव है 11 को, तो ये जो सभी संस्थाएं जो इस प्रकार का कार्य करती हैं सबको उसमें हम सम्मिलित करेंगे और अच्छी प्रकार से वन महोत्सव मनाएंगे ताकि लोग प्रेरित हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगें।